हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग रहने वाला है वो रहने वाला है डॉग से रिलेटेड, कि हम लोगों ने जो भी जर्मन शेफर्ड डॉग्स रखे हैं उनको इवनिंग के टाइम पे किस तरह की जो है वो डाइट दी जाती है। तो गाइस, आज मैं वो डाइट प्लान आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और ब्लॉग्स पर बने रहना और वीडियोज़ पूरी देखना। तो चलो ब्लॉग शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बॉयल करने वाले हैं राइस। तो मैंने ले लिए हैं 1 kg टुकड़ा राइस, इसको हम पूरी तरह से बॉइल करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो डाइट प्लान रहने वाला है ये रहने वाला है 7 dogs के अकॉर्डिंग। तो चलिए राइस को बॉइल करना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइस को मैंने चढ़ा दिया चूल्हे पे और इसको बॉइल करने वाले हैं। तो इसको 15 से 20 मिनट के लिए बॉइल करेंगे। सो फ्रेंड्स, राइस जो हैं वो ऑलमोस्ट पक चुके हैं, और राइस का जो पानी है वो हम लोगों ने पूरी तरह से सुखाना नहीं है और राइस को हल्के गीले रखना है। सो गाइस, राइस हम लोगों ने बॉईल करके रख दी हैं, और अभी हम लोग बॉईल करने वाले चिकन। तो हम लोगों ने 1 kg लिए थे राइस, तो 1.5 से 2 kg हम लोग लेंगे चिकन। तो चलिए चिकन को बॉईल करना शुरू करते हैं। सो गाइस, चिकन को हम लोगों ने चढ़ा दिया है चूल्हे पर, और अब इसमें डालेंगे हल्का सा सोल्ट एंड टर्मरिक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि चिकन और चावल हो चुके हैं रेडी, और जैसे ही ये खाना ठंडा होगा तो डॉग्स को ये खाना डाला जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।